महंगाई में पिसे अवाम को धोबी पटका। पेट्रोल डीजल और मट्टी का तेल 10 या 20 नहीं पूरे 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल 150 से सीधा 180 रुपए लीटर हो गया। डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे। लाइट डीजल ऑयल 148 रुपए 31 पैसे लीटर। जनूबी पंजाब के अवाम बिलबिला उठे। डॉलर ने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे महंगा, 202 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा, 203 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों की मौजें लग गई। गर्मी बढ़ते ही स्कूल एजुकेशन इन एक्शन। ये कम जून से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां दे दी। प्राइवेट स्कूलों को 27 से 31 मई तक बच्चों को सुबह 11 बजे छुट्टी देने की हिदायत। दूसरी जाने प्राइवेट स्कूल्स में समर कैंप्स लगाने पर भी पाबंदी। खिलाफवर्जी पर वार्निंग और भारी जुर्माने का इंदिया। मैट्रिक इंग्लिश लाजमी का पर्चा 11 जून बरोज हफ्ता सुबह के सेशन में होगा। डीजी खान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने कैंसिल होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। फिजिक्स और इस्लामियात इख्तियारी का पर्चा सेकेंड टाइम में मुंतकिब किया जाएगा। जनूबी पंजाब में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। मुल्तान के तमाम इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। M4 और M5 मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आजादी मार्च मुहर होने पर ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स ने सुख का सांस लिया। 3 रोज कारोबार बंद रहने से 1 करोड़ों का नुकसान हुआ। डूब गया पाकिस्तान का मुशीद का, मगर जो हमारी 3 दिन गाड़ी खड़ी रही है उस 3 दिन से लाखों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। हमारे ड्राइवर कनेक्टर जो बेचारे बैठे रहे उनको मैंने अपने हमारे दवाकी ट्रांसपोर्टर ने अपने जेब से उनको खर्चा दिया, हड्डियाँ दी हैं। उन गरीबों क्या है फाका कुछ। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजाम जिंदगी मफलूज। सनती इदारे तबाही के दहाने पर पहुँच गए। सदर मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियाँ राशिद इकबाल ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि हुकूमत को गैस और कोयला खरीद कर बिजली बहरान से निकालना होगा। लोड शेडिंग ने प्रोडक्शन कम कर दी है। कवायली इलाकों के तरक्याती मंसूबे या करप्शन की दास्तान। बुजदार दौरे हुकूमत के मंसूबे करप्शन की भेंट चढ़ गए। तौंसा ब्यूटिफिकेशन प्लान में 2 एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई। सखी सर्वर वाटर सप्लाई स्कीम में भी हेराफेरी। मंसूबा मुकम्मल किए बगैर 80 मिलियन रुपए की अदायगी कर दी गई। एक्सीएन एसडीओ सुपरवाइजर और दफ्तरी अमले के खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाइयां। जबरी रिटायरमेंट सर्विस जब्तगी समेत दीगर सजाएं दी गईं। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जेर निगरानी मवेशी मंडियों की नीलामी। डीजी खान और सरगोधा डिवीजन की मवेशी मंडियों से 57,92,99,000 रुपए की बिड मौसूल हुई। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट कौसर खान की जेर सदारत नीलामी की गई। आजमीन हज को रकूम की अदायगी के लिए 2 रोज की मोहलत। पासपोर्ट और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना लाजिम करार। कल तक आजमीन को मुख्तलिफ बैंक में रकम जमा कराना होगी। रकम जमा ना होने पर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। उधर बहावलपुर में आजमीन हज के लिए ट्रेनिंग कैंप। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में हज बारे मालूमात और आगाही फराहमी का सिलसिला जारी। फौजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान फिजिक्स डिपार्टमेंट के जिले तमाम प्रोजेक्ट नुमाइश। बीएस फाइनल ईयर के तलबा ने प्रोजेक्ट पेश किए। मौसमियाती तब्दीली, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल, बिजली पैदा करना और इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोजेक्ट पेश किए। और बाबर थिएटर में मुल्तान में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा ईद मासूका नाल जारी। मारूफ अदाकारा सुम्बुल खान ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। कहा थिएटर अब बेहतरी की जानेब गामजन है।